वेलकम बैक, आई एम राकेश फ्रॉम 5 फिटनेस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आप घर बैठे वर्कआउट किस तरह से कर सकते हैं, जो आप फिट रहे, हेल्दी रहे, आप BMR आपको बहुत अच्छा रहे, जिससे मसल्स अंदरूनी फिट हो प्लस ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज का नाम है, वो है बैक। आज बैक का वर्कआउट कैसे करें बिना किसी इक्विपमेंट का, जो किसी के पास इक्विपमेंट ना हो, घर बैठे। अब ऐसे जुगाड़ से जो घर में हर किसी के पास अवेलेबल है, आप बहुत अच्छा फिट रह सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ बैक एक्सरसाइज का, जिसका नाम पहला बेंड ओवर रोज। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन जैसे दबाते आपको पहला वीडियो आपके पास आएगा, जो आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो चलते हैं वर्कआउट के साथ, जिसका नाम है बेंड ओवर रोज। ठीक है, तो बेंड ओवर में आप घर पे किसी प्रकार का वेट लेना हो, किसी नहीं हो तो कम से कम ईंट तो होती है, हर किसी के पास ईंट हो या एक सिमिलर वेट का कोई वजन चीज हो वो ले लीजिएगा, दोनों हाथ में ग्रिप पकड़ लेना आपको। तो दोस्तों फॉर्म टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इस तरह से आपको होल्ड करना है, इसको सीधा दे दो, इस तरह होल्ड करना, घुटना हल्का सा बेंड होने चाहिए, हाथ ग्रिप है पैर के लगे आने चाहिए, पैर के शर्ट से ऊपर नीचे आना चाहिए, बैक का छाती बाहर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ट्रैवल करेंगे वेट को स्टार्ट, इस तरह ट्रैवल करना है। नोटिस कीजिएगा कि हाथ जो एल्बो बाहर से निकलनी नहीं चाहिए, शरीर के पास से ऊपर नीचे ट्रैवल होने चाहिए, तो ही आपका बैक के मसल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इस तरह सेम सेट आपको 15-15 का 3 सेट या 15-4 सेट लगा सकते हैं, और वेट कम पड़े तो वेट भी बढ़ाना है आपको, रेंज ऑफ मोशन बहुत बढ़िया एफ होम वर्क। चलिए आपको लेके चलता हूँ, दूसरा एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है वन आर्म रोइंग। तो वन आर्म रोइंग करने के लिए कहाँ करते हैं, तो आपको लेके चलता हूँ, आपको क्या एक ईट की जरूरत पड़ेगी, वन हैंड एटले वन हैंड का एक ईट उठा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल तो मेरा यही लोकेशन अच्छा लग रहा है जो आपको बता सको, आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके घर पे इस टाइप का किस टाइप का लोकेशन हो। सपोज आप किसी प्रकार का टूल्स पे या बेड पे या सीढ़ी पे या सेलिंग पे हाथ ऐसा रख सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करना करना क्या है, किसी प्रकार की हाथ सपोर्ट ले लेनी है, सेम बेंड ओवर हो जैसे हो तो इसे पोजिशन लेना, आपको पैर का पोजिशन आप जैसे चाहे रख सकते हैं, बैक आ जाएगा सेम ट्रैवल स्टेट, पूरा स्टेट मौसम में ट्रैवल होगा, डंबल आगे पीछे खिसकाना नहीं है, जहाँ से डंबल उठाएंगे सीधा एक ही स्टेट ऊपर जाएगा, वही स्टेट से नीचे आएगा। सेम अनदर एक्सरसाइज के भी 15-15 का 3 सेट ले सकते हैं, अगर आप वेट बढ़ाने का आपके पास सुविधा हो, अगर ज़रूरत है कि वेट बढ़ाना चाहिए तो वेट बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार के वो डिसीजन आप लीजिए कितना वेट कैसे बढ़ा लें। तो ये हो गया बेंड ओवर रोड। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ बैक का अगला एक्सरसाइज। तो दोस्तों बैक का ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसका नाम है डेडलिफ्ट। और डेडलिफ्ट दोस्तों बैक के एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ऐसी भी रोजमर्रा के डे टू डे एक्टिविटी में अगर ये वर्कआउट आप करते हैं, कोई नहीं भी करते ये वर्कआउट करते हैं, तो आपको हमेशा फिटनेस महसूस है। बैक पेन जिनका शिकायत होती है बैठे बैठे कंप्यूटर पे या किसी और काम करते हैं कुर्सी बैठे, उनका बैक पेन की ज़्यादा शिकायत है, अगर ये वर्कआउट भी पर्टिकुलर सिंगल करते हैं तो आपको बैक पेन दूर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज है इरेक्टर स्पाइन जो मसल और रीढ़ की हड्डी के मसल उससे ट्रेन होती है, बहुत अच्छा इफेक्टिव। तो चलिए एक्सरसाइज कैसे करता आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस टाइप का किसी प्रकार बैग से या ईंट आपके पास वजन आप हाथ में लेना है, पूरी तरह से आपको खड़े हो जाना है, हल्का घुटना बेंड करते हुए, घुटना हल्का से बेंड कर बैक आज करते नीचे जाना है, और उसी बैक आज करते सीधा ऊपर आना है आपको, पुनः उसी प्रकार से फिर से नीचे जाना है, ये ऊपर ट्रैवल हो रही है दोस्तों। इसका नाम है डेडलिफ्ट, जो बैक का जैसे बताया इरेक्टर स्पाइन के लिए होती है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है बैक का, बहुत कंपल्सरी है, करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका भी आप 15-15 का 3 सेट या 4 सेट ले सकते हैं, जो आपको बहुत ही ईजी एक घर पे कर सकते हैं, इसमें करने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टॉप। तो दोस्तों इसके साथ आपको लास्ट बैक का एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, उसका है नाम है श्रक्स, जो ट्रेपेजियस मसल्स के लिए होते हैं श्रक्स। अब श्रक्स कैसे करते हैं, ये श्रक्स करने के लिए हमारा ये ट्रेपेजियस मसल्स जिसका नाम कॉलर भी बोलते हैं लोग, तो इसको ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज करता है श्रक्स का, उसको भी इसी प्रकार से हम ईंट लेंगे या किसी प्रकार आपको जो वेट का सुविधा, जो इक्वल वेट हो ऐसा लेना है। बैक आर्क एटले आपको यहीं पे छाती बाहर का, हर एक्सरसाइज में छाती बाहर होनी चाहिए, गर्दन नीचे चाहिए, इसके अंदर दोनों क्रॉस नेचुरल ग्रिप में, आपको हैंड ग्रिप नेचुरल ग्रिप में होनी चाहिए, सीधा भी नहीं होना चाहिए, पीछे नेचुरल ग्रिप में होनी चाहिए, छाती बाहर करके स्केपुला एल्बो सीधा करके स्केपुला ऊपर लेके जाना, उसे स्लो नीचे लेके जाना, ऊपर ले जाना है स्लो नीचे लेना है, एक स्पीड में लेना, ज़्यादा स्पीड भी नहीं करना है। तो दोस्तों ये करने से आपका जो कॉलर का जो मसल है, जो ट्रेपेजियस बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा ट्रेन होगा। इसका भी आप 15-15 का वेट के हिसाब से 20-20 का 3 सेट या 4 सेट लीजिए, ये बैक का 4 वर्कआउट स्टॉप।
तो दोस्तों ये बैक का चार वर्कआउट है। अगर ये चार वर्कआउट भी करते हैं आप नेक्स्ट डे लेवल पे, आपको डिसाइड करना कौन सा दिन कौन सा वर्कआउट करनी है, तो बैक के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इतना वर्कआउट करने में भी आपका बहुत टोटल बैक का जितने भी मसल है सब आपका ट्रेन हो जा रहा है, कोई मसल छूट नहीं रही है। हालांकि जिम इक्विपमेंट की वजह से अनदर ये ही बैक का ट्रेन करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होती है जिसे करते हैं, बट नहीं होते, हमारे लिए इनफ है। तो दोस्तों आज का ये बैक एक्सरसाइज में इतना ही। तो बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर फैलाइए ताकि और भी लोगों को आपके साथ जानकारी मिल सके और घर बैठे वर्कआउट करें, इस वर्कआउट का फायदा हो। इसके साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।